सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यार, अगर आप व्लॉगिंग देखना पसंद करते हो, अगर आप व्लॉगर्स को देखना पसंद करते हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इरफान जुनेजू का नाम ज़रूर सुना होगा। और जस्ट इन केस अगर आप इरफान भाई को नहीं जानते हो, तो मैं उनके चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि यार उनके चैनल को ना एक बार ज़रूर विजिट करो। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको उनका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पर इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि उनका चैनल कैसा है, उनका कॉन्टेंट कैसा है, वो आपको पसंद आएगा या नहीं। इस वीडियो में आपको इरफान जुनेजू की हेल्प से, इरफान जुनेजू के कॉन्टेंट की हेल्प से आपको एक लाइफ लेसन समझाने की कोशिश करूँगा। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल इरफान जुनेजू ने अपने मेन चैनल पे, जिस पे अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे वीडियो पोस्ट की अराउंड 17 to 18 मंथ्स के बाद। तो उस वीडियो में ना उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे वो 1 मिलियन तक पहुँचे, उन्होंने इस तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्टेजेस को फेस किया, क्या क्या उन्होंने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की, किस किस कंडीशन से गुजर कर वो उस स्टेज तक पहुँचे, इस सब के बारे में उन्होंने उस वीडियो में बात की। तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो की हेल्प से आपको एक छोटा सा लाइफ लेसन समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि दूसरा बंदा अगर मतलब सक्सेसफुल लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरों को बहुत हैवीली जज करते हैं। हम उनको बस एक सरफेस लेवल पर देखते हैं और उसी से हम उनको जज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ये बंदा सही कर रहा है। जैसे इरफान भाई की बात करते हैं, हम लोग ये सोचते थे कि यार ये बंदा ना यूट्यूब पे सही ग्रो कर रहा है, इसके 1 मिलियन होने वाले हैं, तो ये बंदा ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है, बहुत ज़्यादा ये नोट छाप रहा होगा, तो यार ये बंदा ना अब लाइफ में बिल्कुल सेट है, इसे अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और वो ना इरफान भाई ने उस वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि यार जब वो 1 मिलियन तक पहुंचने वाले थे ना, तो उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, उन्हें एंग्जाइटी थी, उन्हें मतलब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू करने लग गए थे। जब भी वो बाहर ऐसे घूमते थे ना, तो उन्हें ऐसा फील होता था कि हर कोई बंदा उन्हें देख रहा है या उन्हें जज कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर से पर्सन बनते जा रहे थे। तुझे एंग्जाइटी अटैक्स होंगे, जब भी तू किसी पब्लिक स्पेस में होगा तेरा हार्ट रेट 150 से ऊपर चला जाएगा, तेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाएगा कि हर कोई मुझ पर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे उन्होंने बताया कि यार जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया ना, वैसे वैसे मुझ पर मेंटल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगा, और इस सब से ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा वो एक कह सकते हैं कि डिप्रेस जैसे पर्सन बन चुके थे। पर हम लोग क्या देखते थे कि यार ये बंदा यूट्यूब पे ग्रो कर रहा है, इसके 1 मिलियन होने वाले हैं, तो ये तो अब लाइफ में सक्सेसफुल बन चुका है, इसकी तो अब लाइफ बिल्कुल सेट है, इसे तो अब लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सो दैट्स आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो कि यार हम लोग ना कभी भी दूसरे बंदे की रियल स्टोरी को नहीं जानते हैं, वी जस्ट नेवर नो कि वो दूसरा बंदा किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हम बस एक सर्फेस लेवल पर उसको देखते कि हाँ ठीक है, ये ऐसा कर रहा है, ये इस चीज़ को सामने शो कर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि यही इसकी रियलिटी है। पर दैट्स नॉट ऑल ट्रू। अगर वो आपको कुछ शो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही उसकी पूरी लाइफ हो, वही वो सच में फील कर रहा हो, वही उसकी लाइफ में चल रहा हो। हो सकता है कि आपको वो अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट दिखाए, हो सकता है कि वो आपको अपने पूरे दिन का एक छोटा सा पार्ट दिखाए जिसमें वो खुश हो, या फिर वो उस खुशी को भी फेक कर रहे हो। पर हम क्या सोचते हैं कि यार ठीक है, ये बंदा ऐसा लग रहा है तो ये बहुत सही कर रहा होगा, ये लाइफ में अब बिल्कुल खुश होगा। मतलब हमने बस एक छोटे से पार्ट को देख के उसको जज करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो कि यार वी नेवर नो द रियल स्टोरी ऑफ दैट पर्सन। तो हमें ना दूसरों से हमेशा काइंड बन के रहना चाहिए। जैसे यार हम ना बहुत से लोगों को ऐसी जज करने लग जाते हैं, हम उन पर उल्टी सीधी जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द रियल स्टोरी, विदाउट नोइंग द होल स्टोरी बिहाइंड इट। सो दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो कि यार वी शुड हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। किसी को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, उन्हें अपनी तरह से जीने दो। एंड एक बात हमें ना ये समझना पड़ेगी कि यार जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं ना, जो लोग मतलब आपको लगता है कि यार हाँ ये बंदा ऐसा कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही फील कर रहा हो, ज़रूरी नहीं हो कि उसकी लाइफ भी वैसी चल रही हो। हो सकता है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, हो सकता है कि वो लाइफ के एक ऐसे वर्स्ट स्टेज पे हो, पर फिर भी वो बंदा इतना स्ट्रांग हो कि वो बस एक फेक सी स्माइल लेके चलता रहे। तो यार हमें क्या करना है ना कि हमें बस सबसे काइंड बन के रहना है, हमें सबको खुश करने की कोशिश करनी है कि हाँ भाई ठीक है, तेरी लाइफ अगर ख़राब चल भी रही है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूँ ना। तो यार बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार बी काइंड टू अदर्स, क्योंकि यार हमें नहीं पता कि वो कैसी स्टेज से गुजर रहे हैं, वो लाइफ के किस मोमेंट से गुजर रहे हैं। तो यार किसी को जज करने से अच्छा है ना कि यार उनसे प्यार से बात करो, उन्हें यार अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प कर दो। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।